कानपुर वासियों के लिए सोमवार का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है, जहां कानपुर चकेरी अहिरवा एयरपोर्ट के लिए अब इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी सेवाएं यहां से संचालित कर रहा है। कानपुर में इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं आज से शुरू कर दी गई हैं। अभी इंडिगो की इन फ्लाइट्स को फिलहाल 3 शहरों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई शामिल है। वहीं बात की जाए तो इन नॉनस्टॉप फ्लाइट्स के किराए की तो करीब 3,699 के आसपास ही इनका किराया होगा, यानी अब लोगों को इन शहरों की ओर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए लखनऊ नहीं जाना होगा, वे यहीं से सीधे सेवा का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की जहां पहले 2 हवाई अड्डे हुआ करते थे, वहीं अब उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे बनाए जा चुके हैं। जहां 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश 25 शहरों से जुड़ा हुआ था, वहीं अब 7 वर्षों में 80 शहरों से उत्तर प्रदेश जुड़ चुका है। को जोड़ा जा रहा है, 21 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स बढ़ रही हैं, मतलब एक दिन में दुगना कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है। जहां 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स होती थी, आज से 41 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स होंगी कानपुर के एक शहर से उत्तर प्रदेश के को पूरे देश के चारों कोनों के साथ जोड़ने के। एक तरफ जोड़ा है उत्तर प्रदेश और कानपुर हैदराबाद से, जो आईटी का हब, सूचना प्रौद्योगिकी का हब, दूसरे तरफ जोड़ा है बेंगलोर से, जो दक्षिण भारत का औद्योगिक विकास का केंद्र, और तीसरे तरफ जोड़ना है मुंबई से, जो देश की आर्थिक राजधानी। तो जो सतीश जी कह रहे थे, जो कमी आज तक खिलती थी, जो कमी महसूस की जाती थी कानपुर की, आज कानपुर को एक ही माले में तीनों मुख्य नगरों के साथ जोड़ा जा रहा है हमारे मंत्रालय के द्वारा। कानपुर का हवाई अड्डा का भी बहुत पुराना इतिहास है। भारत उड़ान योजना के तहत पहली बार सिविल फ्लाइट्स की शुरुआत हुई, और हमारी सोच और विचारधारा है कि अधोसंरचना में भी एक नई तीव्र गति हमें लानी होगी। इसलिए जैसे फ्लाइट कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसके अधोसंरचना को भी एक नई रूप देने का कार्य भारतीय विमानतल प्राधिकरण के द्वारा 106 करोड़ रुपए का जो निवेश किया जा रहा है, 6000 स्क्वायर मीटर, 60000 स्क्वायर फीट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं भोले जी को, हमारे सतीश जी को, पचौरी जी को, नंदी जी को, कि समय सीमा में, विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कदम उठाया गया।